Hello everyone, I'm Dietitian Madhya from Healing Hands Clinic and I welcome you all. Father of Medicine Hippocrates ने कहा है कि हमारे शरीर के जो बीमारियां हैं वो अक्सर हमारे पेट यानी कि गट से related है और ये सच भी है क्योंकि हमारे बॉडी में काफी लाखों करोड़ों गुड बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में ही मौजूद होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट प्रोबायोटिक्स। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स की कमी है तो आपको कौन से लक्षण दिख सकते हैं एंड व्हाट कैन यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस जिससे आप प्रोबायोटिक्स के काउंट को मेंटेन रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको प्रोबायोटिक्स की कमी है तो आपको कौन से साइंस और सिम्टम्स दिख सकते हैं। सबसे पहला है इनडाइजेशन। तो अगर आप खाने के बाद आपको ब्लोटिंग होता है या एसिडिटी होता है या पेट फूलने लगता है सो दैट दोज आर साइंस ऑफ इनडाइजेशन। So indigestion is directly related to having a low count of good bacteria यानी कि probiotics। उसके अलावा अगर पाचन बराबर से नहीं होता है और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि वो कहते हैं कि हम दिन में बहुत बार खाते हैं, हम काफ़ी 6 से 8 मील्स दिन में खाते हैं लेकिन वो खाना हमें लगता नहीं है मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। सो अगर आपके बॉडी में इनडाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, अगर आपको बहुत वीकनेस मालूम होता है इंस्पाइट ऑफ ईटिंग एडिक्वेट मील्स, आप बहुत लीन हैं, बहुत पतले हैं, तो दीज आर ऑल बेसिकली देर साइंस दैट यू हैव इनसफिशेंसी ऑफ प्रोबायोटिक्स। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते इफ़ यू टेक अ डोज ऑफ एंटीबायोटिक और तुरंत ही आपको डायरिया होता है, आपको लूज मोशंस होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो साइन दैट योर काउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया इज लो। इसके अलावा काफ़ी सारे IBS और IBD पेशेंट्स होते हैं बट ऑब्वियस उनको डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स की कमी होती है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है प्रोबायोटिक्स से हमारा जो इंटेस्टिनल पेरिस्टाइटिक मूवमेंट्स यानी कि बावल मूवमेंट्स है वो मेंटेन होता है। तो अगर आपको प्रोबायोटिक की डेफिशिएंसी है तो या तो ये पेरिस्टाइटिक जो बावल मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का या तो वो फास्ट होने लगता है जिससे डायरिया होता है या तो वो स्लो डाउन हो जाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अक्सर ये जो पेशेंट्स होते हैं IBD के या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर वो कहते हैं या तो उन्हें डायरिया बहुत होता है या कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। सो दीज आर पेशेंट्स हु आर प्रोन टू हैविंग लॉट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिलेटेड इश्यूज। इसके अलावा अगर आपका जो इंटेस्टाइन है अगर वो बराबर से मेंटेन नहीं है, उसके अगर इंटेस्टिनल वॉल्स अगर आपके वीक होते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड यू आर प्रोन टू हैविंग अ लॉट ऑफ एलर्जीज क्योंकि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन खासतौर पे उसमें जो हमारे जो स्टूल्स फॉर्म होते हैं जिसमें केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं दे लीक आउट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम बिकॉज ऑफ द वीक इंटेस्टिनल वॉल्स। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं दे ट्रिगर योर इम्यून सिस्टम जिससे आपको एलर्जी होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इन्फेंसी से चाइल्डहुड से प्रोबायोटिक्स का ध्यान रखें, गुड बैक्टीरिया के काउंट का ध्यान रखें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ताकि आपको एलर्जी ना हो। सो दीज आर ऑल साइंस एंड सिम्टम्स एंड इलनेसेस अगर आप में प्रोबायोटिक्स की डेफिशिएंसी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको अगर प्रोबायोटिक्स लेना है तो आपको किन चीज़ों में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज योर फूड। फूड इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू गेट योर प्रोबायोटिक्स लेकिन हमें ये समझना है कि नॉट ऑल फूड्स हैव प्रोबायोटिक्स। बहुत कम ऐसे फूड सोर्सेज फूड आइटम्स होते हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर दही एंड छाछ, उसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो फर्मेंटेड फूड्स फर्मेंटेड पिकल्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं लेकिन अक्सर हमें ये फर्मेंटेड फूड्स और पिकल्स हमें इंडिया में देखने को मिलता नहीं है, इट्स वेरी कॉमन अब्रॉड। सो उसके अलावा हमारा जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी भागदौड़ वाला लाइफ स्टाइल है, वी ऑफन स्किप लंच या तो हम लंच बाहर खाते हैं या मील्स हमारे बाहर खाते हैं, सो वी डोंट टेंड टू इंक्लूड दही छाछ वेरी फ्रीक्वेंटली इन आर डाइट। उसके अलावा अगर हम घर में भी खाते हैं सो हाउ फ्रीक्वेंटली डू वी सेट दही होम मेड एंड फ्रेश कर्ड्स, हाउ फ्रीक्वेंटली एंड हाउ ऑफन डू वी इंक्लूड इट इन आर डाइट। इट्स नॉट पॉसिबल इट्स नॉट फीजिबल कि आप अपने डाइट में दही और छाछ रेगुलरली इंक्लूड करें। सो वॉट इज द अदर ऑल्टरनेटिव एंड अ सेफ ऑल्टरनेटिव जिससे आप अपने बॉडी में प्रोबायोटिक्स का काउंट हमेशा हाई रख सकते हैं, जिससे आपको ये सारे इलनेसेस से
you'll be free of all these illnesses. So Healing Hands and Herbs has come up with a very safe probiotic, that is Gut Bio. अगर हम प्रोबायोटिक्स की बात करें तो वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम. और दोनों जो लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, दोनों की दोनों गट बायो में प्रेजेंट होते हैं और उनके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं हमारी बॉडी में. जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है IBS या IBD पेशेंट्स में, तो उनके लिए लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड सेफ प्रोडक्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर डायरिया, फॉर IBS, फॉर IBD पेशेंट्स. और अगर आप एंटीबायोटिक्स पे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोबायोटिक भी लेना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू नो फॉर प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया एज वेल. उसके अलावा ये जो यू नो बैक्टीरिया प्रेजेंट है गट बायो में, दे ऑल्सो दे कैन सर्वाइव योर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन सर्वाइव यू नो इन ऑल द फ्लूइड्स एंड गैस्ट्रिक जूसेस और पिथ जिसे हम कहते हैं बाइल, दे कैन सर्वाइव ऑल दीज कंडीशंस इन योर बॉडी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोबायोटिक. So, the bacteria, lactobacillus and bifidobacterium can survive all these, you know, different juices in your body and get, you know, adhered to. यानी वो आपके intestine में वो fix भी हो जाते हैं, जिससे आपका जो intestinal wall है वो strong होता है, जिससे आपके intestinal cells हैं वो मजबूत हो जाते हैं, आपका digestion, absorption, जो nutrient absorption भी होता है वो भी बहुत अच्छे level पे, पहुँचता है. So make sure that if you are an IBS or IBD patient, take this twice a day for a month. और अगर आप you know if you feel no issues, अगर आपको सिर्फ indigestion होता है या acidity होता है, you can still take it once a day for at least a month and see how effective it can be. But definitely, अगर आप gut bio लेते हैं, so take it under a proper prescription of a doctor. Do not self-medicate. Gut Bio के अलावा Healing Hands and Herbs has come up with another new product, that is Gut Bio Plus. तो Gut Bio में there are around 25 billion good bacteria per capsule, और Gut Bio Plus में जो है there are around it's double, so it's around 50 billion probiotics per capsule. So this is all about probiotics. Hope you like this video. If you did, do share with your family and friends. See you next time. Till then, take care. Bye bye.